थाना प्रभारी सिरोली ने व्यापारियों के साथ संपन्न की बैठक। सिरोली आज थाना सिरोली प्रभारी अश्वनी कुमार ने मेन मार्केट स्थित धर्मशाला में व्यापारियों के साथ एक आवश्यक सभा की, जिसमें थाना अध्यक्ष अश्वनी कुमार ने बताया कि उदयपुर में जो घटना हुई है उसको लेकर पूरे भारत देश में आक्रोश व्याप्त है। हमारे कस्बा सिरोली में किसी भी तरह का कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यापारी धरना प्रदर्शन न करे, शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। वही थाना प्रभारी अश्वनी कुमार ने आगामी त्यौहार ईद उल जुहा के मद्देनजर लोगों को दिशा निर्देश जारी किए। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि कुर्बानी खुले में न करें, कुर्बानी के बाद साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और शिव भक्तों द्वारा कछला हरिद्वार जाकर कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। दोनों ही समुदाय बड़े प्रेम से एक दूसरे के त्यौहार को मनाएं, आपस में सौहार्द बना रहे, शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। वही व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्या थाना प्रभारी को बताई। सोशल मीडिया पर पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट न करें, नियम तोड़ने वाले पर पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता राम प्रकाश रस्तोगी ने अपने विचार व्यक्त किए। इखलास अली ने उदयपुर में जो निंदीय घटना हुई है उसकी कठोर निंदा की। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अतुल कुमार गुप्ता, हिंदू रक्षा दल के जिला अध्यक्ष आशीष कठेरिया, सैयद इखलास अली, अंकित पांडे, अशोक पांडे, संदीप गौड़, प्रदीप कुमार गुप्ता, सौरभ खत्री, रामपाल मौर्य, सोनू रस्तोगी आदि लोग उपस्थित